आगाज में आपको खबर दें कि तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीटीआई मजबूत पार्टी है, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मुझे रात भर हवालात में रखा गया है, बीमार आदमी हूँ मगर दवाएं तक नहीं दी गई। तो आज गुजरांवाला की अदालत में उन्हें पेश किया गया है, कल लाहौर की अदालत से उन्हें बरी कर दिया गया था एक और केस में, जिसके बाद फौरी तौर पर एक दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और आज गुजरांवाला की अदालत में उन्हें अब पहुँचा दिया गया है। और अदालती कार्रवाई यह है कि एंटी करप्शन ने हज़्ब साबिक जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा की है, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने जमानत बाद उस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर की है। बहरहाल इस मौके पर जो परवेज इलाही की गुफ्तगू थी मीडिया से, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि मैं बीमार आदमी हूँ और मुझे रात भर जो है वो हवालात में रखा गया है, दवाएँ मुझे नहीं दी जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस सबसे मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैं तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ, तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात है और मैं इस पार्टी को छोड़ूंगा भी नहीं। दो टोक अल्फाज में उन्होंने ये भी वाजे किया। मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। परवेज़ इलाही यहाँ पर जब पहुँचे तो सहाफ़ियों ने उनसे उस दौरान उनका कहना था कि मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, गो के कुछ जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं उनकी राय ये है कि परवेज़ इलाही शायद इस सारी सूरत हाल के बाद पार्टी से राहें जुदा कर लें। लेकिन परवेज़ इलाही खुद क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन। जहाँ ये रखते होते हैं हवालात में थे, हवालात में दवाइयाँ तक नहीं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह, पीटीआई मजबूत है और मैसेज है कि मजबूत रहे सारे इंशाल्लाह। जहाँ ये रखते होते हैं हवालात में थे, हवालात में दवाइयाँ तक नहीं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह, पीटीआई मजबूत है और मैसेज है कि मजबूत रहे सारे। परवेज़ इलाही की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो जान लेते हैं। इफ्तिखार बताइएगा, अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया है या नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अच्छा बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल चौधरी परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत में पेश कर दिया गया है। सीनियर सिविल जज अफजल हैं जिनकी अदालत में इन्हें पेश किया गया है और दोनों तरफ से वकला भी जो है वो अदालत के कमरा में मौजूद है और दोनों तरफ से जो है वो दलाइल पेश किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर जो है वो फूल प्रूफ इंतजाम है, भारी सिक्योरिटी लाइन पर अदालती कमरा जो है वो खचा खच भरा हुआ है, दोनों तरफ से जो है वो दलाइल पेश किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज भाई को जब यहाँ पर पेश किया गया तो उन्होंने गाड़ी से उतरते ही जो है वो गैर रस्मी सी मीडिया से गुफ्तगू की और अदालत में भी वो एक गुफ्तगू करते और शिकवा करते दिखाई दिए कि जहाँ पर उन्हें रखा गया था वहाँ पर कोई इंतजाम इतने अच्छे नहीं थे, उनकी तबीयत नाकाज होने के बाद उन्हें अद्वियात भी फराहम नहीं की गई और वहाँ पर ना ही उन्हें कोई अच्छा कोई खाने को भी कोई खुराक भी उन्हें अच्छी नहीं दी गई। एहतमाम जो है वो अभी उनका जो है वो अभी समाप्त जारी है और ये कहना कबल वक्त है कि अभी क्या फैसला होता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अली, आप अपडेट कर रहे थे।